72 ताबूत, पटना का 25 साला सफ़र, इंशाल्लाह 21 सितंबर 2021 को होने जा रहा है। ये प्रोग्राम दो रोज़ा प्रोग्राम रखा गया है क्योंकि ये 25 साला दौर है और 25वां दौर है, उसकी याद में हम लोगों ने दो रोज़ा प्रोग्राम रखा है, 20 सितंबर 2021 और 21 सितंबर 2021। 20 सितंबर का प्रोग्राम इस तरह से है कि सुबह में 11 बजे सेमिनार होगा, उसके बाद जो नौजवान 1998 से लेकर अभी तक इस प्रोग्राम को इस मुकाम तक पहुंचाने में हौसला अफजाई की है, जो अराकीन जितनी मातमी अंजुमनें हैं इस शहर की अजीमाबाद की, उन लोगों को हौसला अफजाई के लिए एक प्रोग्राम रखा गया है, एक सेमिनार रखा गया है। उसके बाद 20 सितंबर को ही बाद मगरबैन 7 बजे यह प्रोग्राम शुरू होगा। प्रोग्राम तिलावत कलाम पाक से आगाज़ किया जाएगा, उसके बाद सोज खानी जनाब सैयद शबीब रज़ा और जनाब सैयद नदीम रज़ा हाजीपुरी सोज खानी पेश करेंगे। मर्सिया खानी सैयद सलमान हुसैन, एक्स चेयरमैन बिहार स्टेट शिया वक्फ बोर्ड पेश करेंगे। बाद उनके मजलिस सैयद अरशद जाफरी साहब मजलिस पढ़ेंगे। उसके बाद हिंदुस्तान के मशहूर व मारूफ हुसैनी ब्राह्मण नवाखा राजू पांडे और ऋषि पांडे अपनी पुरदर्द आवाज़ में नवाखानी पेश करेंगे। 21 सितंबर का प्रोग्राम जिस तरह 24 सालों से चला होता चला आ रहा है, उस दिन किसी भी तरह का कोई फेरबदल नहीं किया गया है। प्रोग्राम 72 ताबूत का प्रोग्राम 21 सितंबर को बाद मगरबैन ठीक 7 बजे शुरू हो जाएगा, जिसमें तिलावत कलाम पाक सैयद नासिर अब्बास गोपालपुरी करेंगे। उसके बाद सोसखानी सैयद जर्रार हुसैन नकवी साहब और उनके हमनवा पेश। मर्सिया जो लगातार 24 सालों से पढ़ते चले आ रहे हैं, सैयद फर्रुख हुसैन नकवी साहब पेश करेंगे। बाद इसके हिंदुस्तान के मशहूर व मारूफ मौलाना अल्लामा शब्बीर वारसी साहब मजलिस को खिताब करेंगे। बाद उसके 72 शोदाए करबला का तारुफ जो पिछले सालों से करते चले आ रहे हैं, जनाब कैसर जौनपुरी साहब 72 शोदाए करबला का तारुफ कराएंगे। उसके बाद मूसा अली हाशमी साहब सलाम पेश करेंगे। मुनाजात जो पिछले मिर्ज़ा इम्तियाज़ हैदर पेश करेंगे। ये प्रोग्राम का 25वां साल है, 25वां साल है ये प्रोग्राम। 72 ताबूत का प्रोग्राम सरजमीन अजीमाबाद पर पहली बार 1998 में इसका आगाज़ किया गया था और ये 25 साला सफ़र अपना पूरा करने जा रहा है। इस 25 सालों में यहाँ के जायरीन, यहाँ की मातमी अंजुमनें, यहाँ के नौजवानों का जो खलूस और जो खराज अकीदत
देखने को मिला है उसका कोई जवाब नहीं है। बिहारी नहीं, बिहार के बाहर से भी लोग यहाँ ज़ायरीन तशरीफ़ लाते हैं और ज़ियारत करते हैं। यहाँ ये प्रोग्राम बहुत ही पच्चीसवां साल जो पूरा करने जा रहा है, इस मौके पर यह दो रोजा प्रोग्राम रखा गया है। ऑर्गेनाइजर, इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर पटना शहर की सारी मातमी अंजुमन, यहाँ के नौजवान बच्चे जो लगातार इस प्रोग्राम में लगे रहते हैं, उनका दिल से शुक्रिया अदा करती है। साथ में हमें पटना प्रशासन का भी बहुत सहयोग मिलता है। प्रशासन लगातार अपना काम करता है, प्रशासन के लोग, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो बिहार नहीं, बिहार के बाहर से भी लोग, ज़ायरीन लोग आते हैं। ये प्रोग्राम इमाम बांदी वफ स्टेट में 20 सितंबर और 21 सितंबर को होने जा रहा है। आप सबों से गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आए और 72 शहीदों का पुरसा इमाम ज़माना को पेश करें। 72 ताबूत का लाइव टेलीकास्ट, ये जो दो रोज़ा प्रोग्राम हो रहा है उसका लाइव टेलीकास्ट आज़ादारी चैनल 72, नेटवर्क 72 मीडिया और हम हैं आज़ादार यूट्यूब पर आप लाइव टेलीकास्ट देख सकते हैं। ये चैनल लाइव टेलीकास्ट आपको 72 ताबूत का की ज़्यारत और 20 सितंबर का प्रोग्राम लाइव टेलीकास्ट करेंगे।